है कि हमारे रामलीला मंडल में कोई भी पेशेवर नहीं है, सभी भगवान जी की चरणों में उनकी निष्काम भक्ति करते हैं। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर हरजिंदर कंग मुख्यमंत्री निवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की मुलाकात, पुष्प गुच्छ देकर सीएम के साथ शिष्टाचार भेंट हुई। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती सम्मानित होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है घोषणा। मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है, ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के, एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ, उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरुद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री ने भोपाल में की सीएम से मुलाकात, सीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, प्रदेश के विकास और किसानों से संबंधित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भोपाल में झारखंड दौरे को लेकर बोले सीएम मोहन, कहा झारखंड वासी बीजेपी के साथ चलेंगे, केंद्र सरकार झारखंड का विश्वास कर रही है, विकास कर रही है, चुनाव की घोषणा होने वाली है, झारखंड की जनता विकास को चुनेगी। भारत रत्न प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूंगा, जिनने कहा था कि झारखंड निश्चित रूप से राज्य बनेगा और झारखंड के पास इतने संसाधन हैं, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और जिस प्रकार से मानव क्षमता वहां की है, झारखंड नंबर वन का राज्य बन सकता था, लेकिन कांग्रेस और उनके तत्कालीन समय के दृष्टिकोण और उनके सहयोगियों के कारण से झारखंड की दुर्दशा हुई है। मैं उम्मीद करता हूं झारखंड वासी संकल्प लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार और राज्य की झारखंड सरकार मिलकर के निश्चित रूप से विकास के नए कीर्तिमान बनाएगी। मेरी अपनी ओर से चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन आज की इस बेला में मैं उम्मीद करता हूँ भाजपा के साथ ही जिस प्रकार से विकास का कारवा बनता है वो बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को सभी अपनाएंगे। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर हरजिंदर कंग मुख्यमंत्री निवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात हुई, पुष्प गुच्छ देकर सीएम के साथ शिष्टाचार भेंट हुई। दिल्ली में भारत मंडपम में केंद्रीय परिवहन मंत्री की बैठक, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल हुए, राजमार्ग परियोजनाओं के साथ ही कई निर्माण कार्यों को लेकर की गई समीक्षा, डिप्टी सीएम अरुण साव भी रहे मौजूद। इंदौर में राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर सियासत, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कसा तंज, कहा राहुल संस्कृति और धर्म विरोधी बयान देती हैं, राहुल गांधी की सोच की मैं निंदा करता हूं। राहुल गांधी के साथ जो लोग आज हैं वो एक्चुअल में देश हित की बात ना तो राहुल को सिखाते हैं ना ही उनके मन में है, और इसके कारण राहुल हमेशा ऐसा बयान देते हैं जो देश की जनता को पसंद ना आए, संस्कृति विरोधी हो, धर्म विरोधी हो। राहुल गांधी का जो सोच है मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। भोपाल में बेटियों की सुरक्षा पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान शुरू करेगी, इस अभियान से जन जागृति आएगी। कि बीजेपी के नेता ही लगातार बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार करते हुए मिलते हैं, एक पार्षद ने इंदौर में इस तरह की घटना की थी जिस पर FIR हुई, आखिर क्या चाल चरित्र और चेहरा है। बार बार हम मोहन यादव जी से गुहार करते हैं, सरकार से करते हैं, अब आशाएं नहीं है सरकार से। कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी बेटी बचाओ अभियान की शुभारंभ कर रही है जिसमें जन जागृति आएगी और करप्ट और चरित्रहीन लोगों के खिलाफ का चेहरा भी बेनकाब किया जाएगा और जन जागरण भी किया जाएगा।
इंदौर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, सड़कों के गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया। नगर निगम के खिलाफ कर रहे नारेबाजी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया आरोप, पार्षद का वार्ड होने पर सड़क न बनाने का आरोप। मजबूरी यही है कि ये जो रोड है हमारे पार्षदीय क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ से तमाम बाईपास का पूरा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट होता है, बाईपास का नहीं भाई भी रोड का पूरा ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट होता है और यहाँ पर निकलने वाली तमाम रोज गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त होती है, लोग गिर रहे हैं, लोगों को तकलीफ आ रही है और हमारे निगम के प्रशासन को, हमारी सरकार को, हमारे विधायक को, महापौर को, कमिश्नर को, किसी को भी असर नहीं हो रहा कि इस रोड को जरा हम नहीं बनवा पा रहे तो कम से कम रिपेयर ही कर दे। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक के जरिए कानून की स्थिति को दिखाया। कहा प्रदेश में हत्या जैसे क्राइम लगातार बढ़ रहे, छत्तीसगढ़ अपराध हिंसा से मुक्ति चाहता है। 2 अक्टूबर को न्याय यात्रा का समापन होगा। विरोध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी 27 तारीख को विरोध परिषद से यात्रा चालू करके 2 तारीख को गांधी मैदान में न्याय यात्रा का समापन कर रहे हैं और उसके विरोध में आज यहां विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पब्लिक को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ को न्याय मिलना चाहिए। जागरूकता अभियान है, छत्तीसगढ़ महतारी है, एक राक्षस नुमा एक डकैत है, एक हत्यारा है, हम ये न्याय मांग रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी के तराजू में सिर्फ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती दिख रही है, दूसरी तरफ न्याय का गुहार हम लगा रहे हैं लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर ये इस यात्रा को लेकर जनता की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में थमा आखिरी चरण का चुनाव प्रचार, 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान, 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। एक देश एक चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, संसद में बिल लाने की तैयारी में सरकार, खबरों के अनुसार दो संविधान संशोधन समेत 3 विधेयक पेश करेगी सरकार। कांग्रेस का हरियाणा में मेगा प्रचार, अंबाला से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी करती है किसानों का अपमान। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया, हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला? आपको गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि MSP मिलेगी, आज भी जो MSP है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। आपके साथ विश्वासघात हुआ। खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा कांग्रेस नेताओं के मन में पीएम मोदी के लिए नफरत, 2047 तक विकसित भारत देखने के लिए जीवित रहे खड़गे। पीएम मोदी ने फोन कर जाना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत का हाल, रैली के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। दिल्ली में सीएम आतिशी का गड्ढा मुक्त अभियान जारी, सीएम और मंत्री अलग अलग इलाकों में कर रहे निरीक्षण, 8 अक्टूबर तक सड़कों को दुरुस्त करने का टारगेट। जम्मू कश्मीर के कठुआ और राजौरी में एनकाउंटर, कठुआ मुठभेड़ में सुरक्षा